गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम वॉल्यूम्स ऑफ फिगर्स करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबॉइड देख लेते हैं एक बार। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? इट इज़ नथिंग बट ए क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड का क्या है वॉल्यूम? एल इंटू बी इंटू एच। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आने ही चाहिए। फिर कोन का क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर प्रिज्म और पिरामिड में क्या होगा? प्रिज्म का होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एंड पिरामिड का होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो ये बेसिक फॉर्मूलाज है सबके। ओके, तो अगर ये एक्चुअली ऐसा, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है, और फिगर की कॉम्बिनेशन एक दो फिगर साथ में होगी और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। Right, a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो सबसे पहले तो क्या है कि एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो पहले तो हम वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बी सी, ये यहाँ पे ये डायमीटर है, ये इसकी यहाँ पे ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो मतलब कोन की हाइट तो यही है, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन एंड देन दिस इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, अब रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस ये क्या है 1 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो ये भी क्या 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई का पाई रहेगा, ये 1 × 1 प्लस 2/3, ये पाई का पाई रहेगा और ये 1। ठीक है, तो ये होगा पाई बाय 3 प्लस 2π/3, सो इट्स 3π/3, सो इट्स नथिंग बट पाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच एट टू इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थीन एल्यूमिनियम शीट। The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume. मतलब कि सिलेंडर, मतलब ऊपर और नीचे क्या है, कोन है और बीच में क्यूबॉइड है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रॉ करते हैं। सो देखिए, फिगर ऐसी होगी, सिलेंडर जैसा दिख रहा है,
ठीक है, टू कॉन्स अटैच एट इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब कि डायमीटर जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है दोनों का। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो है वो पूरा 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर में से इच कोन की हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग द मॉडल दैट रेशल मेट। तो हम पहले देख लेते हैं, ये 12 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये जो है सिलेंडर की हाइट कितनी हुई, सिलेंडर सिलेंडर की हाइट कितनी हुई, सो 12 माइनस 4 इज 8। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सब सेंटीमीटर में यस है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो दो कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, वो तो सेम ही है। ठीक है, डायमीटर क्या है, इट्स 3, तो रेडियस क्या होगा, 3/2। ठीक है, वो तो सिलेंडर और कोन सबका सेम ही है। सो तो वॉल्यूम ऑफ फिगर इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पाई को रहने दो ऐसे ही, 3 πr क्या है, इट्स 3/2 × 3/2, और एच कोन का हाइट मतलब 2 टाइम्स, ये 2 हो जाएगा, कोन का हाइट क्या है, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट, 2 प्लस π × रेडियस इज 3/2 × 3/2 एंड हाइट इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, ये 3 और 3 कैंसल, तो फिर बचा गया यहाँ पे 3π। सो 3π प्लस ये 9 2 18, 18π, और 18 + 3 क्या होगा, 21π, सो 21 × 22/7, सो 7 3 एंड आंसर इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ओके, फिगर तो दिया हुआ ही है इसके अंदर। और गुलाब जामुन ये ना बहुत इम्पोर्टेंट सम है, गुलाब जामुन कंटेन मतलब कि कैसा है पता है, कि आप लोग मतलब पेपर देने जाओगे ना, तब ये गुलाब जामुन वाला सम है ना, इतना मतलब बाय हार्ट हो जाएगा ना आप लोगों को। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब उसका जो वॉल्यूम है उसमें से शुगर सिरप का 30% है। ठीक है, मतलब जितना टोटल ये है उसमें से। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, इच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिक एंड्स एंड विद अ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड द, मतलब पहले एक गुलाब जामुन का हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, गुलाब जामुन है, ठीक है, और यहाँ पे हेमिस्फीयर है ये दोनों। ओके, सो यहाँ पे फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी 45 ईच शेप, मतलब एक पहले एक गुलाब जामुन का करेंगे, उसके मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। ठीक है, सो ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर लेंथ। ओके, लेंथ उसके क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो पहले हम लेंथ ये जो है दिस इज 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, एंड डायमीटर इज 2.8, मतलब कि ये जो डायमीटर है वो है 2.8, तो ये क्या हो गया, ये 1.4 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है, सो 2 × 2/3 πr³ प्लस बीच में क्या है, सिलेंडर है, सो इट्स πr²h, सो 4/3 π का पाई रहने दो अभी, इंटू रेडियस इज 1.4 × 1.4 × 1.4 प्लस पाई एज इट इज इंटू 1.4 × 1.4, और हाइट कितनी होगी उसकी, हाइट विल बी 2.2। टू पॉइंट टू कैसे है 2.2? देखो लेंथ देखने जाओ ना आप, तो ये है ना, ये पूरा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर में से आप रेडियस निकाल दो, मतलब 2.8 निकाल दो, तो कितना बचा, 2.2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन है, इंटू 1.4² कॉमन होगा, तो ये 4/3 × 1.4 प्लस होगा पाई इंटू 1.96 × 5.6 प्लस 6.6³। ठीक है, तो फाइव पाई को रहने दो ऐसे, पाई इंटू 1.96 × 12.2³। अब देखो ये क्या हुआ, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ 45। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन में 45 × π × 1.96 × 12.2³, तो ये तो सीधा हो गया 15। ठीक है, 15, सो इट्स 15π × 1.96 × 12.2, दिस इज इक्वल टू 15 × 22/7 × 1.96 × 12.2, विच इज इक्वल टू 1127.28 cm³। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना है, 30% है, सो 11 × 30/100, सो विच इज इक्वल टू 338.184 cm³। और अप्रोक्सीमेटली फाइंड करना है, सो इट्स 338 cm³। ठीक है, ओके, मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड अ पेंस। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 cm × 10 cm बाय दिस, मतलब कि लेंथ है उसकी 15, ब्रेथ है उसका 10, एंड हाइट है उसकी 3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशंस इज 0.5, रेडियस इज 0.5, और डेप्थ मतलब हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ द जो कॉनिकल शेप जो पेन को रखने के लिए पड़ा है ना वो इंटू 4 करेंगे। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे जो मेन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया ना उसमें से, राइट। सो देखिए क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले फाइंड करेंगे, माइनस 4 × वॉल्यूम ऑफ कोन,
राइट. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, डेट मीन्स 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज वॉट 1/3 पाई आर स्क्वेर एच. सो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 0.5 स्क्वेर एंड हाइट इज 1.4. ठीक है, तो इसमें हम अब बहुत इजी है, 150 इंटू 35/10 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10. तो ये 5 2 ज़ा, ये 5 2 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 एंड 2 कट. ठीक है, ये 0 और 0 यहाँ पे कट हुए. तो ये यहाँ पे 15 इंटू 35 इज 5 2 5 ठीक है, माइनस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. सो 20 ये भी हो जाएगा ना, 7 2 ज़ा, सो 22 इंटू 2 मतलब 44 डिवाइड बाय 30. ठीक है, तो 44 डिवाइड बाय 30 इज 1.47 लिख दो. ठीक है, सो 5 2 5 माइनस 1.47. सो 5 2 5 माइनस 1.47 इज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज दिस. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.